आज का विषय है पोष पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का वह ना रहे तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्या प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर दनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अतिशील रूपमती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी जोगी उस नगरी में आया। वह जोगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी दनेश्वर ने जोगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर जोगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? जोगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि तुम निसंतान हो पतित हो जाने के वजह से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। दनेश्वर जय बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर जोगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप समय है, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर जोगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से जय वृतांत कहा और समय तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे दनेश्वर, तुझे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो यह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी भोलेनाथ जी का पूजन करें और पूर्णमासी का व्रत रखें। सुबह होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले आना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी जय वृक्ष पर ना चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले दुष्टों का नाश करने वाले रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे के मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से दनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह जय है, आप कोई और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस दनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को जाकर दिया और उसकी स्त्री ने
अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया। उसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञानुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्यान करे और तुम उसको अकेला मत छोड़, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। दिनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और वांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बरात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आज चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लगन के समय वर को धनुवर्त एक वायु योग जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि जय देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने बांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन के सारे कृत सुचारू रूप से हो सकें। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा बांजा इस बरात का दुल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने वांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब वाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सभी बातें जो बाप के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि जरा ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि सोते रहे। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणंत होगा जे फूल सूख जाएंगे और जब जे फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। जय समझाकर वह चला गया।
सुबह होते ही वहाँ पर गांजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को बड़ी प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्या देव कन्यादान के समय जो मैंने भूषण दान दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसकी कथा अनुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बरात विपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित हुआ एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु वर्त के प्रभाव से उसको काट ना पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्यान्ह के समय संभ्यकाल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे ही हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी में से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। वे दोनों मामा वांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि जय तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि वला हुआ जो जय आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार दनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर से वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। जय मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिवजी भोलेनाथ जी पूर्ण करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।